नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जॉब एंड करियर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आरआरबी ग्रुप डी के सिकंदराबाद जोन के जो है कट ऑफ बारे में जानने वाले हैं। ये प्रश्न किया है हमारे एक प्रिय सब्सक्राइबर गौरी जी ने। अगर आप लोगों के दोस्तों ऐसे कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट कीजिए, हम आपके प्रत्येक कमेंट का आंसर वीडियो के माध्यम से जरूर देंगे। और साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को ऐसे ही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। आज दोस्तों हमें जानना है कि जो है टोटल वैकेंसी कितनी आई हुई है जो 2018 के जो जोन है इसमें, और साथ ही हम जानेंगे कि कितने फॉर्म अप्लाई किए गए हैं, कंपटीशन क्या है और इस बार कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो अगर हम 2018 का कंपेरिजन करते हैं 2019 से, दोस्तों हम पाते हैं कि 2018 में जो वैकेंसी थी वो 6523 वैकेंसी थी, और जो फॉर्म अप्लाई हुए थे उस टाइम में, जो टोटल फॉर्म अप्लाई हुए थे वो 20,95,000 के करीब अप्लाई हुए थे। और दोस्तों ये साथ ही हम जान लेते हैं कि उस टाइम पे जो कंपटीशन क्या था, तो उस टाइम पे एक सीट के लिए 321 स्टूडेंट फाइट कर रहे थे। और दोस्तों अगर हम 2019 में जो वैकेंसी है उसके बारे में अगर जानते हैं तो जो टोटल फॉर्म अप्लाई हुए हैं वो 9,47,337 फॉर्म अप्लाई हुए हैं, और साथ ही जो वैकेंसी है इस फॉर्म के लिए वो 9,328 है। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, 2018 में जो वैकेंसी थी वो जो है 6523 थी, और 2019 में जो वैकेंसी आई है वो जो है 9,328 है। कहीं ना कहीं आप देख क्लियर देख सकते हैं कि यहाँ पे वैकेंसी का जो 1.5 से 2 गुना, 1.5 गुना जो है दोस्तों, 1 गुना इसमें जो है वैकेंसी के जो है सीट्स हैं वो इम्प्रूव हुए हैं। और फॉर्म जो दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि पहले 20 लाख फॉर्म भरे गए थे और अब 9 लाख फॉर्म भरे गए हैं, यानी कि फॉर्म जो है कम हुआ है। और अगर हम फाइट बात करते हैं कि एक सीट पर कितने कॉम्पिटिशन फाइट कर रहे हैं, तो एक सीट पर यहाँ पर 101 स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं, जिसमें से दोस्तों मिनिमम आप ये मान चलिए कि 40 से 45% स्टूडेंट तो एग्ज़ाम देने जाएंगे ही नहीं, क्योंकि वे लोग कहीं और सेलेक्ट हो चुके हैं, या फिर उन्होंने कंपटीशन से आउट कर लिया है अपने आप को, या फिर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, या कई कई ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट इस एग्ज़ाम में इनरोल नहीं होने वाले हैं। तो इसलिए कॉम्पिटिशन काफ़ी कम हो गया है। आप लोग अगर थोड़ी सी मेहनत करते हैं, अगर सटीकता से पढ़ाई करते हैं, तो आप लोगों का सिलेक्शन बहुत ही आराम से हो सकता है। आप किसी भी कैटेगरी से हो तो आप लोगों का बड़े ही आराम से सिलेक्शन हो सकता है। अगर दोस्तों हम ये जान लेते हैं कि जो वैकेंसी है वो डिटेल से डाल लेते हैं कि जो 2019 वैकेंसी आई है वो कैटेगरी वाइज कितनी है, तो जनरल में जो वैकेंसी है वो 3,663 पोस्ट के लिए है, ओबीसी की जो वैकेंसी है वो 2,577 है, एससी के लिए दोस्तों जो है वो 1,432 है, एसटी के लिए 722 है। और दोस्तों अगर ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस में जो है 934 वैकेंसी है। और दोस्तों अगर हम साथ ही में जान लेते हैं कि जो इसके लिए जो सब्जेक्ट आप लोग जानते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कैसे प्रिपरेशन करना है, सब लोग को आपको स्ट्रेटजी पूरी पता है। आप लोग अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग सीरियस कैंडिडेट हैं, आप सीरियस लेकर के सीरियस हैं सभी अपने इस एग्ज़ाम को लेकर के, और आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों आप लोग मॉक दीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो आप लोगों को सिलेक्शन देने से कोई रोक नहीं सकता है। अगर दोस्तों हम कंपेयर कर लेते हैं कि 2018 और 2019 की कट ऑफ क्या जाने वाली है, 2018 में जो कट ऑफ थी दोस्तों जनरल की वो उस टाइम पे 69.7 थी, ओबीसी की दोस्तों जो कट ऑफ थी वो 65.7 थी, एससी की जो कट ऑफ थी वो 61.9 थी, एसटी की दोस्तों जो कट ऑफ थी वो थी 56.6। उस टाइम पे दोस्तों आप लोग जानते हैं ईडब्ल्यूएस का कोई प्रावधान नहीं था, तो इसलिए हम ईडब्ल्यूएस के बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं। और जो है 2018 की मैंने आपको ये जनरल ओबीसी एससी एसटी की जो कट ऑफ गई थी वो बताया। ये दोस्तों जो है ये नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है, नॉर्मलाइजेशन के थ्रू ये मार्क्स आए हैं। आप लोग जानते हैं कि 2018 में नॉर्मलाइजेशन में काफ़ी मार्क्स इंप्रूव हुआ था, काफ़ी मार्क्स बढ़ाए गए थे, 15 से 20 मार्क्स तक बच्चों के बढ़े थे, जिसकी वजह से जो है मार्क्स काफ़ी ज़्यादा हो गया और जो है कट ऑफ इतने हाई गया था। लेकिन इस बार दोस्तों आपको जानते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में चेंज किया गया, इस बार सरकार ने नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले में काफ़ी चेंज किया है, बदलाव किया है, और इस बार कट ऑफ इतना हाई जाने वाला नहीं है। तो इसलिए जो इस बार कॉम्पिटिशन काफ़ी कम रहने वाला है। साथ ही बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो दूसरे एग्जाम में सेलेक्ट हो चुके हैं, उन्होंने भी कॉम्पिटिशन काफ़ी कम कर दिया है। जैसे अगर आप जानते हैं कि जो एग्ज़ाम इतना लेट हो रहा था, बहुत से स्टूडेंट तैयारी ही नहीं कर रहे हैं, और साथ ही जब रेलवे के अदर एग्ज़ाम हुए थे, जैसे कि एएलपी का एग्ज़ाम हुआ ग्रुप डी में, जो 2018 वैकेंसी आई थी उनमें जो बच्चे सिलेक्शन ले चुके हैं, उसमें जेई के जो विकास जो सिलेक्शन हो चुका जेई का, जो उस टाइम पे एग्जाम हुआ था, उसमें भी काफ़ी स्टूडेंट सिलेक्शन ले चुके हैं। तो इन सब जो बच्चों ने कंपटीशन को बहुत कम कर दिया, उन्होंने फॉर्म को अप्लाई किया है इस फॉर्म में, इस वैकेंसी में, लेकिन वो लोग एग्ज़ाम नहीं देने वाले हैं, क्योंकि जब उनका अच्छे पोस्ट में सिलेक्शन हो चुका है तो इस एग्ज़ाम को देकर उनको फायदा नहीं है, इसलिए वो इस एग्ज़ाम को देने वाले नहीं है। तो इसलिए दोस्तों आप लोगों के कॉम्पिटिशन बहुत ही कम रहने वाला है। अगर दोस्तों हम 2021 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बारे में जान लेते हैं, तो दोस्तों 2021 की जो वैकेंसी है, जो एग्ज़ाम फरवरी में होने वाला है, इसमें जो कट ऑफ बात करते हैं तो जनरल की जो है 62 से 65, ओबीसी की 60 से 63, एससी की दोस्तों 53 से 56, एसटी की 51 से 54, और ईडब्ल्यूएस की दोस्तों अगर हम बात करते हैं
तो 59 से 62 के बीच में जो है कट ऑफ जाने वाली है। तो बस आप लोगों को बड़े ही आराम से अपने सब्जेक्ट को उठाना है, चारों सब्जेक्ट जो जो आपके एग्ज़ाम में है उसको उठा करके मिनिमम से मिनिमम आप लोगों को 10 से 15 मॉक टेस्ट देने ही देने हैं। 10-15 मॉक टेस्ट दीजिए। अगर आप लोग आप एक टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट लेते हैं तो उसमें आप लोग बहुत सारे मॉक टेस्ट पेपर मिल जाएंगे, आप उनको लगाइए, डेली एक मॉक लगाइए या फिर 2 दिन में एक मॉक लगाइए, उनका एनालिसिस कीजिए। अगर आप लोग अच्छे से करते हैं तो आप लोग आराम से इसमें 70+ स्कोर कर सकते हैं। और अगर आपने 70+ स्कोर कर लिया तो ये कैटेगरी कोई सा भी आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोगों का सिलेक्शन 100% तय हो जाएगा। इसलिए अच्छे से तैयारी कीजिए और दोस्तों आप लोग जो है 70+ की तैयारी कीजिए। अगर आपका इतना स्कोर आ गया तो आप लोगों को रो मार्क्स हो, अगर रो मार्क्स 70 है तो नॉमिनेशन के थ्रू 5-10 नंबर बढ़ेगा बढ़ेगा और आप लोगों को अच्छा तरीके से अच्छी तरीके से पोस्ट मिलेगी और आप लोग कोई भी टेंशन नहीं रही, सिक्योरिटी हो जाएगी कि आप लोगों की जॉब 100% तय है। दोस्तों जी जान लगा के तैयारी कीजिए और अगर आप लोगों को हमारा चैनल पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद जय भारत।